आपके साथ वैष्णवी सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। इस बीच बेलहर थाना क्षेत्र के रंगमटिया गांव का एक नक्सली सुमित कुमार को एसएसबी सुइया सीआरपीएफ ने एवं बेलहर सुइया पुलिस के संयुक्त छापामारी अभियान में सोमवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार सुइया थाना केस कांड संख्या 49/12 दिनांक 21 मार्च 2012 के धारा 147, 148, 149, 341, 435 आईपीसी के फरार नक्सली अभियुक्त था। इस घटना में नक्सली की एक दस्ता द्वारा सुइया थाना के पास एवं बाजार में तीन वाहन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर गोलीबारी करते हुए दहशत पैदा किया था। सर, जानकारी मिली है कि एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, कहां से हुई है, कौन है, कैसे है, सर थोड़ा सा बताएं। ये नक्सली सुमित यादव, सनोक तेजो यादव है, जिनके जो ग्राम रंगमटिया के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी रंगमटिया से किया गया है और ये कांड संख्या सुइया थाना 49/12 में नामजद है। और इस पूरे ऑपरेशन में सुइया पुलिस, बेलहर पुलिस, सीआरपीएफ बेलहर और एसएसबी सुइया ने सभी ने साथ मिलकर के काम किया है, जिसमें कि नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। धन्यवाद।